हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम रॉबिन और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 11th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। है सेट्स। अगर सेट्स की बात करें तो बहुत ही फंडामेंटल सा पार्ट है मैथमेटिक्स का, बहुत सारे चैप्टरों में यूज़ भी है, जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ, रिलेशन फंक्शन हुआ, ज्योमेट्री में भी अच्छा खासा यूज़ है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है चैप्टर। कुछ चीज़ें याद करने लायक भी हैं, पर समझने के लिए तो है ही है, कुछ चीज़ें रिमेंबर भी करनी पड़ेंगी। अगर सेट्स की डेफिनेशन की हम बात करें तो सेट्स की डेफिनेशन क्या है? इस सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये कलेक्शन तक तो बात सही है, यहाँ तक तो समझ आ रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। अब बात है वेल डिफाइंड शब्द की। ठीक है, तो इस वेल डिफाइंड शब्द पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कलेक्शंस लिस्ट डाउन कर रहा हूँ इधर। ये क्या, कुछ कलेक्शंस लिख रहा हूँ मैं इधर, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मानो मैंने एक कलेक्शन लिखा नेम ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, सभी परिचित हैं इस कलेक्शन से। ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूँ नेम ऑफ डेज ऑफ अ वीक, ये भी सेम प्रोफाइल का ही कलेक्शन है। तीसरा मैं लिखता हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स ऑन अ लाइन, किसी लाइन पर पड़ने वाले पॉइंट्स की बात चल रही है। ठीक है, अगला मैं कलेक्शन लिख रहा हूँ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स की बात चल रही है। ठीक है, और एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 30 के सभी प्राइम फैक्टर्स की बात चल रही है। ठीक है, अगर और लिखूं सॉल्यूशन सेट ऑफ, एक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस की बात करता हूँ मैं, +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सभी क्या है, सभी एक हर एक में मतलब एक डेफिनेट प्रॉपर्टी का फॉलो हो रहा है। ठीक है, जैसे नेम ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर की बात करें हम, नेम ऑफ डेज ऑफ अ वीक की बात करें, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ऑन लाइन, जैसे कोई लाइन है ये सारे इस पे जितने पॉइंट हैं इन सब का कलेक्शन हो गया। ठीक है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 1, 2, 3 से लेके 9 तक। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 2, 3, 5 हो गए, और सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है जैसे कोई, इसके सॉल्यूशंस की बात चल रही है, क्या हो जाएंगे 2 और 3। ठीक है, तो ये सब क्या है, कलेक्शंस हो गए। ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान देने लायक है। मैंने लिखा द टॉप मोस्ट एक्टर्स, मैंने क्या लिखा, टॉप मोस्ट एक्टर्स लिख दिया। अब ये जो बात है ये किसी एक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अब ये हर इंसान के लिए अलग हो सकते हैं। ठीक है, किसी को हो सकता है रणवीर सिंह पसंद हो, किसी को शाहरुख खान पसंद हो सकता है, तो ये तो अलग हो जाएगी ना बात। अभी यहाँ तक तो सब ठीक था, ये ऊपर वाले जितने भी कलेक्शंस हैं हमारे पास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि महीने जो है ये सबके लिए सेम होने वाले हैं, जनवरी फरवरी, डेज सबके लिए सेम होने वाले हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 वो सबके लिए सेम है, ऐसा थोड़ी 11 आ जाएगा इसमें, नहीं आ सकता, पर दिक्कत कहाँ, यहाँ आके आई। तो इसी के लिए क्या लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड, इसी के लिए क्या लिखा हुआ है, ये वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड से मतलब क्या है कि ठीक से, मतलब फैक्चुअल हो चीज़ें, चीज़ें कैसी हो, फैक्चुअल हो, सबके लिए मान्य हो वो कि हाँ इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो ऐसे कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सेट। ऐसे ही कलेक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, सेट। ठीक है, तो सेट के रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर लेते हैं। यहां तक चीजें मुझे लगता है क्लियर हो चुकी होंगी, अगर इसके आगे हम देखें। ठीक है, सही है, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है,
तो पहले देखो अगर देखें हम तो कलेक्शन में क्या है, एलिमेंट्स हैं, हर कलेक्शंस में क्या है, एलिमेंट्स है। जैसे मंथ्स वाला एग्जांपल था तो उसमें एलिमेंट्स क्या है, जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, तो ये सब क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। नेचुरल नंबर वाले की बात करें तो उसमें एलिमेंट्स क्या थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये सब क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेट को ऑलवेज कैसे करेंगे, सेट को कैपिटल लेटर्स से ए बी सी इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो सेट के एलिमेंट्स होने वाले हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स बोलूं, उनको क्या स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, ए बी सी डी इस तरह से, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स बोलो या फिर एलिमेंट्स बोलो या फिर मेंबर्स ऑफ अ सेट बोलो, सारी बातें सेम है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। ऑब्जेक्ट बोले कोई, किसी किताब में हो सकता है एलिमेंट लिखा हो, किसी में हो सकता है मेंबर लिखा हो, इनमें कोई फर्क नहीं है, सभी चीज़ें सेम चीज़ों को दर्शाएंगे।